फटकार कोटकपुरा च सबका जदर भाई रणजीत सिंह की अगुवाई सिख जथेबंदियों वालों कोटकपुरा के बत्ती वाले चौंक च जिथे 2015 च एक घटनाक्रम वापया से उस जगह से संकेतक रोस धरना दे के हाईकोर्ट के फैसले दियां कापियां साड़ के अपना रोस जाहिर किया गया है। इस मौके कई राजनीतिक आगू भी पहुंचे हुए सन, जिन्हां विच परमिंदर सिंह ढींडसा, बलविंदर बैंस, सुखपाल सिंह खहरा, कुलतार संधवा शामिल हैं। इस मौके भाई रणजीत सिंह, सुखपाल सिंह खहरा, बलविंदर सिंह बैंस ने सीधे सीधे तौर पर भारत के न्याय प्रणाली से सवाल चुके हैं और इसे राजनीतिक तो प्रेरित फैसला दसिया है। सिख जथेबंदियों के अगले प्रोग्राम के सवाल के इस मौके भाई रणजीत सिंह ने कहा कि फिलहाल किसान अंदोलन के चलदियां कोई भी संघर्ष शुरू नहीं किया जा रहा है, किसान अंदोलन असं कमजोर नहीं करना चाहते हाँ। अज जिहड़ा एजिटेशन इहदा मकसद इक्को आ कि असीं पंजाब सरकार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट, इन्हां नूं दसना चाहुंदे आ कि तुहाडियां अखां थले सब कुछ ठीक नहीं हो रहा, साडी सिख कौम नाल गदारी हो रही है, सालां तों लटकदे मामले जिहदे लोक अखां टट के इंतजार कर रहे सी, सानूं उहदे लई ढोल फकणी पई। तो ये जिहड़े जस्टिस ने ये अपनी यारियां पालदे पए ने, चीफ जस्टिस साहब नूं पता नहीं। तो असीं ये प्रोटेस्ट इस करके कीता कि सानूं बेशक सज़ा दिओ, इहदी असीं सानूं कोई परासी, असीं इस मकसद लई अपना शरीर दान करन नूं भी तैयार हाँ, पर असीं ये बर्दाश्त नहीं करांगे कि तुसीं चंद टक्कियां ते विकण वाले जज जिहड़े ने उह साडी कौम दी होणी ना बेइंसाफी कर जाए। सर, सीधा सीधा अटैक तुहाडा जिहड़ा भारतीय न्याय प्रणाली ते है? हाँ जी, सीधा सीधा जिहड़ा हमला तुहाडा न्याय प्रणाली ते, भारतीय न्याय प्रणाली बिल्कुल। इस तो अगला कदम क्यों है, क्योंकि एक संकेतक धरना जिहड़ा इस तो अगला कदम असीं आवाज करांगे किसान मोर्चे नूं, क्योंकि सारा पंजाब जिहड़ा उत्थे बैठा होया टाइम कढ के ते बड़े लंबे समय तो हुण उह बड़े महत्वपूर्ण पड़ा ते पहुँच चुका, उहदे विच असीं किते भी गुस्साखी नहीं करनी चाहुंदे, कोई गलती नहीं करनी चाहुंदे जिहदे नाल उस मोर्चे की जान निकले या कमज़ोर पवे, क्योंकि इत्थों उहनूं सपोर्ट की लोड़ आ, उत्थे एकता की लोड़ आ, एकता दीयां बरकतां ते इत्थों पंजाब चों सपोर्ट मिलेगी तो बहुत जल्दी हल होण दी आस है सानूं। जदों उह हल होया उदों असीं इह जिहड़े साडे धर्म दे मामले ने उहनां नूं असीं पहल दे आधार ते उहनां दा हद हो गई आ। एक चौटाला सरकार दे विच एडवोकेट जनरल, दूजा डिप्टी एडवोकेट जनरल, वो दोवें अज जज ते वकील ने, एक वकील बन के सरसर कर रहा जिहड़ा कल उहनूं सरसर करदा सी, एक उहनूं फैसला दे रहा, तो फैसला लैण लई कोई अजनबी भेजा जा रहा, पुलिस अफसर बादल आप नहीं जा रहे, जिहड़ा अजनबी भेजा जा रहा उहदे ते एक लाइन नहीं लिखी, पर जिन्हों जिहदा नाँ नहीं, जिन्हें प्रेयर नहीं की, जिन्हें कोई बेनती नहीं की, उहनूं क्लीन चिट ते लांतां पईआं इन्वेस्टिगेशन अफसर। इह बड़ा नजायज़ ते गलत फैसला सी, कई पोलिटिकल आगू वी जिहड़ा 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 फैसला हाईकोर्ट नहीं दे सकदा, क्योंकि हाईकोर्ट दे विच इह अपील नहीं सी, इह रिविजन पटीशन नहीं सी, ये सिविल रिट पटीशन, सिविल रिट पटीशन दे विच क्लीन चिट नहीं दे सकता, कोई भी जज जिहड़ा इन्वेस्टिगेशन नहीं उहनूं प्रभावित नहीं कर सकता, ज़्यादा ज़्यादा उहनूं कोई रिलीफ दे सकता जिहड़ा उहदे लई फसिया होवे, जिहड़ा मुलजम आ, जिन्हें कोई जे कह मैनूं अरैसट करन वाले तो कह सकदा इहनूं मेरा पुछो तो बिना अरैसट। सर, कई पोलीटिकल आगू भी अज जिहड़े शामिल होए, सारे पोलीटिकल ने कई असीं गल कीती, कई पोलीटिकल आगू जिहड़े शामिल होए, अग्गे जा के राजनीति और धर्म दे नाल रल के सांझे तौर ते असीं एज सिख किसी भी पार्टी च कोई सिख आ, असीं उहनूं अपील करदे हां कि उह साडा साथ देवे, पंथक अकाली लहर दे नाल खड़े, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਪੰਥਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। 302 ਵਰਗੇ ਸੰਗੀਨ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਸਮੇਤ ਜਿੰਨੇ ਥਾਣੇਦਾਰ, ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ DIG ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਨੇ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ 307 ਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਅਨਹਰਡ ਆਫ। इस करके ये जड़ा बड़ा अन्याय होया वा, और ये जिहड़ी जजमेंट आई आ, ये जज साहब तो ये कहिंदे ने कि फलाने अफसर ने सियासत तो प्रेरित की आ, साडा मनना कि कुल मिला के जजमेंट ही सियासत तो प्रेरित है, क्योंकि जिहड़े काम जिहड़े अधिकार हाईकोर्ट ने अपने कोल लै ले, वह तो फरीदकोट के ट्रायल कोर्ट का काम सीगा,
फरीदकोट के ट्रायल कोर्ट में एस आई टी ने 9 चलान पेश किए थे। ये ट्रायल कोर्ट ने देखना सीगा कि इन चलाना में कोई उनताई है, किसी गुनाहगार जड़ा है किसी बख्शा तो नहीं जा रहा, किसी बेगुनाह फसाया तो नहीं जा रहा, विटनेस अकाउंट की हैगा वा, फैक्ट फाइंडिंग की आ। ये पहली बार देखा कि हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का रोल जड़ा सीगा वो हाईजैक कर लिया, और आर्टिकल थ्री जड़ा आर्टिकल 226 है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, जिदे तहत ये जड़े मुजरम सके जिन्होंने ये रिट पटीशन की हाई कोर्ट च आर्टिकल 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 226 एक मिनट जी आर्टिकल 226 के तहत फैक्ट फाइंडिंग जाना, छोटे छोटे जड़े मुद्दे ने वो ट्रायल कोर्ट के जड़े अख्तियार अधीन है, ये उन्होंने रोल ही नहीं सगा। इस करके सानू ये लगता वा कि ये पिछे कोई बहुत वड्डी साजिश है, और जिन्हां लोगों ने कोई अर्जी नहीं दी बादल वर्गियां ने, बादल के परिवार ने, जिन्होंने कोई प्लीडिंग ही नहीं की, जिन्होंने कोई प्रेयर ही नहीं की, उन्होंने क्लीन चिट का देने का मकसद ही कोई नहीं सगा। इस करके ये जड़ा अज का रोस प्रदर्शन है, ये एक सिस्टम के खिलाफ रोस प्रदर्शन है। जिदा 36-37 साल हो गए ने सिख कतलेआम नूं इंसाफ नहीं मिलिया दिल्ली के, एन उसे तर्ज के उत्ते 6 साल तो यह मामला घड़ीसिया जा रहा, कभी किसी कचहरी कभी किसी एस आई टी कभी किसी कोर्ट च। इस करके अज का रोस प्रदर्शन एक सिंबोलिक प्रोटेस्ट है। असी कोविड के मद्देनज़र रखते नहीं चाहते सके कि बहुत व्डे कट हो, लोगों दाना खतरे च ने, एक पास किसानों का अंदोलन चल रहा, असं नहीं चाहते कि किसानों के अंदोलन कोई एक पैरल एजुटेशन पंजाब चला, पर इस मसले को जान भी दिता नहीं जाया जा सकता सगा। इस करके भाई रणजीत सिंह की अगवाई जेडे कि एक धार्मिक आगू ने पंजाब के जिन्होंने कुरबानी दी है, उन्होंने अगवाई अज इस जजमेंट कापियां साड़न का जोड़ा ऐलान आ उसू अंजाम देने वास्ते असी इस चौंक में पहुंचे। फरीदकोट तो संदीप सेठी की रिपोर्ट, पंजाब टुडे।